हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ब्यूटीफुल स्लिप्स डिजाइन का वीडियो शेयर करने जा रही हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। कि मैंने एक स्लिप्स की कटिंग कर ली है, इसकी मार्किंग भी कर ली है और कटिंग भी कर ली है। अब मैं आपको दूसरे स्लिप्स पर इसकी मार्किंग और कटिंग कैसे करना है आपको दिखाती हूँ। स्लिप्स की लेंथ ले लेंगे, मैं यहाँ 11 इंच ले रही हूँ, 10 इंच तैयार होगा 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। 11 इंच पे मार्क कर लूंगी मैं। अब यहाँ से हम 3 इंच पे हम कैप हाइट रखेंगे। ये कैप हाइट कैसे निकालते हैं, आपका जो भी चेस्ट हो उसको 12 से डिवाइड करने के बाद जो भी आता है वो आपकी स्लीव्स की कैप हाइट होती है। अब इससे भी सीधा कर लेंगे हम। अब बॉटम का राउंड है हमारा 6 इंच पे एक निशान लगा देंगे और 2 इंच सिलाई मार्जिन। अब जितना अपने ब्लाउज में मार्जिन रखती हैं उतना ही स्लीव में भी मार्जिन रखना है। अब यहाँ से हम टेप को ऐसे पकड़ेंगे जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, और आपका जो भी आर्म होल राउंड हो, मेरा 10 इंच है तो मैं 10 इंच पर एक निशान लगाती हूँ। ये बिल्कुल ही सिंपल तरीका है अपने स्लीव्स को कट करने का, बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। और 2 इंच हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। अब जितना हमने यहां से ऊपर से लिया, जो हमारा आर्म होल राउंड है ये, इसका हाफ कर लेंगे। तो 10 का हाफ होता है 5 इंच, एक निशान हमें 5 इंच पर लगाना है और एक 3.5 इंच पे यहां से हम बाजू की गोलाई देंगे। और नॉर्मल स्लीव जैसे कट करते हैं वैसा ही हम निशान लगा लेंगे। इधर से भी हम दोनों निशानों को मिला लेंगे। ये हमारे नॉर्मल स्लीव की कटिंग हो गई। अब इसके ऊपर हमें 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। ये देखिए हमारा परफेक्ट 5 इंच ही आ रहा है। और जो हमने यहां से 5 इंच का निशान लगाया था, इस निशान को हमें इस निशान से मिलाना है गोलाई में। जैसे हम यहां से गोलाई में निशान लगाए तो उसी तरह हमें ऊपर से भी 3.5 इंच पे ऐसे निशान लगाते हैं, ऐसे गोलाई में हमें। और यहां से मिलाते हुए हमें इस निशान में इसको मिला देना है। ये हमारे बाजू की मार्किंग पूरी हो गई। अब हम फ्रंट का शेप इसमें लगाएंगे। आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते हैं। अगर आप डालना चाहते हैं तो इसी तरह से फ्रंट का ऐसे आप लगा सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, जैसे आप नॉर्मल स्लीव्स कट करते हैं उसी तरह मैंने नॉर्मल स्लीव्स की लेंथ रखी है 11 इंच और एक निशान लगा लिया है। उसके बाद हमने स्लीव्स डाउन किया है 3 इंच पे, ये देखिए, और इस निशान को भी हमने सीधा कर लिया है। हमारे स्लीव्स की गोलाई है बॉटम की 6 इंच और 2 इंच मैंने मार्जिन रखा है। अब हम यहां से सेंटर से आपके जो भी आर्म होल राउंड हो वहां पे आप निशान लगा दीजिए और उसके बाद आर्म होल राउंड का हाफ निकाल दीजिए। तो हमारे में आर्म होल राउंड है 10 इंच, उसका हाफ होता है 5 इंच। तो एक निशान हम यहां से 5 इंच पे लगा लेंगे और एक 3.5 इंच पे लगाएंगे जहां से मैंने गोलाई दिया है, स्लीव्स की गोलाई दी है। आप भी ऐसा ही करें। उसके बाद हम जो हमने स्लीव की लेंथ रखी है उससे एक्स्ट्रा हमें 5 इंच और लेना है। ये 5 इंच हमने इसलिए लिया है कि ये हमारा पफ बन जाएगा। इधर में ऐसे हमारा पफ आएगा, इसमें हम छोटे छोटे चुन्नटे डालेंगे, इसके लिए 5 इंच हमें एक्स्ट्रा चाहिए। अब हम यहां से गोलाई देते हुए ये जो हमने 5 इंच का निशान लगाया था इस पे मिलाते हुए हम इससे मिला देंगे। फ्रंट का भी शेप हमने दे दिया है। अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। एक कट हम सेंटर में लगा देंगे और एक कट हम यहाँ पे लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि हमें चुन्नट कहाँ तक भरनी है। मैं खोल के दिखाती हूँ आपको।
ये देखिए इधर भी निशान में लगा देती हूँ, इस निशान को सीधा कर लेते हैं। हमें चुन्नट, बिल्कुल हल्की हल्की चुन्नट हमें डालनी है और एक दूसरे के आमने सामने हमें डालनी। जैसे हमारा ये सेंटर हुआ तो ये चुन्नट डालेंगे वो हमारा इस तरफ ही आना चाहिए और इधर का चुन्नट भी हमारा इस तरफ ही, दोनों एक दूसरे का फेस एक तरफ ही रखना है, इसलिए चुन्नट डालते समय ध्यान रखें। और ये पूरा हमारा चुन्नट आ जाएगा ऐसे, बिल्कुल ये हमारा पफ क्रिएट हो जाएगा। सबसे पहले मेन फैब्रिक पिक रख के इसको, ये हमारा मेन फैब्रिक है, सबसे पहले मेन फैब्रिक को सीधा रखेंगे और लाइनिंग के फैब्रिक को उल्टा रखते हुए हम पहले बॉटम में हम हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगा लेंगे और इसको पलट लेंगे अंदर की साइड। उसके बाद हम इसे तीनों साइड से स्टिच करके उसके बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करेंगे। मैंने लाइनिंग को मेन फैब्रिक पे अटैच कर लिया है, अब हम इस पे ये लेस अटैच करेंगे, इसके बॉटम में हम लेस अटैच करेंगे। एक्स्ट्रा लेस को कट करके हटा लेंगे। देखिए हमने लेस अटैच कर लिया है, अब हम इस पे प्लेट लगाएंगे। के लिए हमें स्लिप्स का सेंटर निकाल लेना है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर पे निशान लगा देंगे और ये निशान हमारा है, यहां से हमें पूरे में चुन्नट डालना है, दोनों साइड निशान लगा लेंगे। अब हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे, ये देखिए जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ आप भी वैसा ही चुन्नट लगाएं या प्लेट्स लगाएं और एक एक पिन लगाते जाएंगे हम। थोड़ी थोड़ी दूर पे चुन्नट डालते जाएंगे और ऐसे पिन से हम ये देखिए सेंटर तक ही हमें लगाना है। ये देखिए जैसा हमने इस साइड लगाया है सेम उसी तरह हमें दूसरे साइड भी लगा लेंगे और दोनों का फेस एक दूसरे के आमने सामने होगा। देखिए जैसा मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ आप भी वैसे ही प्लेट्स लगाएं। ये देखिए दोनों साइड हमने प्लेट्स लगा के पिन से इसको सिक्योर कर लिया है और देखिए दोनों का फेस आमने सामने है और दोनों तरफ हमारी पांच पांच प्लेट आई है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इसी तरह से आप भी डाल लें। और अब इस पे हम सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए हमारा कितना सुंदर पफ क्रिएट हुआ है। जब आप इस पे इसे स्लिप पे अटैच करेंगे तो बहुत ही सुंदर लुक देगा ये। आइए हम पहले इसे सिल लेते हैं, बस एक एक पिन हटाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। हमने एक साइड प्लेट्स डाल ली है, अब दूसरी साइड भी इस पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमारी प्लेट्स लग गई हैं, अब हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। मैं इसे सीधा करके आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। ये देखिए हमारा स्लीव्स बनकर तैयार हो गया है, इसी तरह से हम दूसरे स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों स्लीव्स को रेडी कर लिया है और ये है इसका फाइनल लुक। अब आप इसे किसी भी कुर्ती ब्लाउज में इसको अटैच कर सकती हैं और ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छा लुक देता है, बहुत ही सुंदर पफ स्लीव बनकर तैयार हुआ है। आपको अभी अच्छे से नहीं दिख पा रहा होगा शायद, जब आप इसे ब्लाउज या कुर्ती में अटैच कर लेंगे उसके बाद इसको इसका लुक आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए शायद आपको समझ में आए, इसका पफ बहुत अच्छा ही क्रिएट हुआ है। आप भी इसी तरीके से अपने लिए पफ स्लीव बना सकते हैं। और एक जरूरी बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपका स्लीव्स ब्लाउज या कुर्ती में अटैच करते वक्त लंबा हो रहा हो ज़्यादा, तो आप एक दो प्लेट्स और लगा सकते हैं या पास पास लगाएं प्लेट्स को, या अगर छोटी हो रही हो
तो आप एक दो प्लेट्स कम भी कर सकते हैं, इससे ब्लाउज की फिटिंग पे कोई असर नहीं आने वाला है। तो इस आसान तरीके से आप अपने लिए पफ स्लीव बनाकर पहन सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।